बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 आपका पहला यूनिट है द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट, पेज नंबर 1। द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट यानी दुनिया का माहौल जो कि दिन ब दिन बदल रहा है, कहीं सर्दी है कहीं गर्मी है तो कहीं नॉर्मल है, यानी ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी। आपकी फर्स्ट हेडिंग है लुकिंग एट रीजन। अब हम रीजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले रीजन होते क्या हैं? रीजन्स का मतलब है इलाका या सरजमीन। इस दुनिया के तमाम मुल्क जिन इलाकों पर मुश्तमिल हैं उनका एक अपना क्लाइमेट है। एक तरह से हम इनको क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं, यानी इनका एक मखसूस क्लाइमेट होता है, वो चेंज नहीं होता। कोई इलाके गर्म हैं तो उसे हॉट क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं। कुछ इलाकों को इसके फिज़िकल पहचाने जाते हैं, यानी जहां पहाड़ होते हैं इन्हें पहाड़ी इलाके बोला जाता है। कुछ पहाड़ी इलाकों के अलावा रेगिस्तानी इलाके, बर्फानी इलाके, मैदानी इलाके वगैरह। ऐसे ही हम पाकिस्तान के इलाकों के बारे में पढ़ेंगे। नीचे पाकिस्तान के मैप आपको आप देख सकते हैं, रेड कलर माउंटेन को जाहिर कर रहा है, ब्लू कलर प्लेट्यूज को जाहिर कर रहे हैं और बाकी कलर्स भी आप देख सकते हैं। पहले हम इसकी मीनिंग्स जान सकते हैं, मीनिंग जान लेते हैं। माउंटेंस तो आपको पता ही होगा, पहाड़। प्लेट्यूज का मतलब वो पहाड़ हैं जिनके अंदर बहुत से मिनरल्स और मादनियात पाए जाते हैं। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, प्लेन्स यानी मैदान, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 3। आपकी फर्स्ट हेडिंग है माउंटेंस। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और नेपाल के पहाड़ी इलाके बहुत सिमिलर हैं, यानी मिलते जुलते हैं। पाकिस्तान में इन इलाकों में दरिया हैं और झील हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2 जो पाकिस्तान में है, जिसकी हाइट 28,250 है और जो पहले नंबर पर है, वो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है और इसकी हाइट 29,128 फीट है। यहाँ दोबारा बताया जा रहा है कि नेपाल जो है कि नेपाल जो है पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाकों के सिमिलर है। अब आगे हम वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि इनका लाइफस्टाइल कैसा है। अच्छा, वहाँ के लोगों खेती बाड़ी करते हैं और टूरिज्म भी, यानी जो दूसरे इलाकों और मुल्कों से टूरिस्ट आते हैं इन्हें इन खूबसूरत जगहों की सैर करवाते हैं और जो हर देखने वाले को पुरकशिश लगते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे कुछ नेपाल के रहने वाले लोग भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो मवेशी चढ़ाते हैं और जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाते हैं और इनको सेल करते हैं। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है प्लेट्यूस। पाकिस्तान के प्लेट्यूस एरियाज कुछ कुछ सिमिलर हैं ईरान से। दोनों मुल्कों में खुश्क हिल्स हैं जो अपने अंदर बहुत सी मादनियात रखते हैं, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस, तेल और जिप्सम। जिप्सम जो खुर्दनी तेल है वो ज़्यादा ईरान में पाया जाता है।
अब हम पाकिस्तान के मशहूर प्लेट्यूस साउथ प्लेट्यूस के इलाके पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के पहला पैरा में जो पोटाहार और सॉल्ट रेंजेस हैं और अटॉक ऑयल रिफाइनरी जो पोटाहार पर रावलपिंडी के करीब वाक़िया है और यह बहुत कदीम है। खेड़ा एक नमक की कान है जहां नमक के अलावा लाइमस्टोन जिप्सन यानी चूने का पत्थर की भी खुदाई होती है। आगे ईरान का बताया गया है कि ईरान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इराक ऑयल रिफाइनरी जो ईरान में मौजूद है, जो ईरान का सनअती शहर है। पाकिस्तान और ईरान दोनों में ही प्लेट्यूस इलाके हैं तो दोनों के शहरी खेती बाड़ी करते हैं और बहुत से लोग कानों में खुदाई करते हैं। और जैसा कि इन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज भी होती हैं तो बहुत से लोग वहाँ भी काम करते हैं। ऐसे इलाके हर मुल्क और इन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है प्लेन्स। प्लेन्स इंडस प्लेन्स रीजन बहुत सिमिलर हैं इंडिया के गैंगेटिक प्लेन्स रीजन से। दोनों मैदानी इलाके बहुत जरखेज और गुंजान आबाद हैं। ये वो इलाके हैं जहां लोग एग्रीकल्चर में मसरूफ होते हैं क्योंकि इन इलाकों की मिट्टी जरखेज होती है और यहाँ पानी भी बहुत होता है। दोनों मुल्कों के इन इलाकों में दो किस्म की फसलें पाई जाती हैं जिन्हें राबी और खरीफ कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं खरीफ की फसल की जो गर्मियों में उगती है, जिनमें कॉटन, चावल, मकई और गन्ना शामिल है, और राबी की फसल जो सर्दी में उगती है, इनमें आटा, दालें, मस्टर्ड और चना हैं। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है डेजर्ट। डेजर्ट इलाके यानी रेगिस्तानी इलाके। पाकिस्तान का रेगिस्तान थर जो इंडिया तक फैला हुआ है, जो इंडिया में सहारा के नाम से है। थर का रेगिस्तान 25 to 23 टेम्परेचर के दरमियान कम और ज़्यादा होता है। ऐसे इलाके बहुत गर्म होते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 5। और पानी की मिकदार बहुत कम पाई जाती है तो यहाँ खेती बाड़ी करना मुश्किल होता है। यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर मवेशी चराते हैं। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बंजर होती है और यहाँ पानी भी नहीं होता। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है डेल्टा। डेल्टा पहले डेल्टा क्या होता है ये जानेंगे। डेल्टा एक ग्रीक वर्ड जो डी लेटर से को कहते हैं क्योंकि डेल्टा रिवर भी डी शक्ल में होता है तो इसे डेल्टा कहा गया है। अच्छा, पाकिस्तान का इंडस डेल्टा इजिप्ट के नाइल डेल्टा से मिलता है। दोनों की शक्ल एक बर्ड के पांव जैसे यानी एक चुड़िया के पंजे जैसी है जो बह रहा है। अरबन और मेडिटेरियन सी से मिलता है। इन दोनों डेल्टा की अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत से समंदरी जानवर यानी मछली, प्रॉन्स, श्रिम्प्स पाए जाते हैं तो यहाँ के लोग फिशिंग करके पैसे कमाते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पे। पहले क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रीजन, गिव वन एग्जांपल। रीजन की एक रीजन क्या है और रीजन की एक एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन फिजिकल करेक्टर्स। पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के बारे में बताइए जो बेस करें फिजिकल करेक्टर्स पे।
और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इससे बताना है कि आपके जो पीपल रहते हैं तो डिफरेंट फिजिकल रीजन्स में किस तरीके से रहते हैं उनके बारे में बताना है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर ख़त्म। फिर आपकी शुरू होती है फिल द ब्लैंक्स। टोटल 5 फिल द ब्लैंक्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। टोटल फाइव ट्रू फॉल्स हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग द कॉलम। यहाँ पे आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पेज नंबर 5। और पानी की मिकदार बहुत कम पाई जाती है तो यहाँ खेती बाड़ी करना मुश्किल होता है। यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर मवेशी चराते हैं। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ की ज़मीन बंजर होती है और यहाँ पानी भी नहीं होता। आपकी नेक्स्ट हेडिंग है डेल्टा। पहले डेल्टा क्या होता है ये जानेंगे। डेल्टा एक ग्रीक वर्ड जो डी लेटर से को कहते हैं क्योंकि डेल्टा रिवर भी डी शक्ल में होता है तो इसे डेल्टा कहा गया है। अच्छा, पाकिस्तान का इंडस डेल्टा इजिप्ट के नाइल डेल्टा से मिलता है। दोनों की शक्ल एक बर्ड के पांव जैसे यानी एक चुड़िया के पंजे जैसी है जो बह रहा है। अरबन और मेडिटेरियन सी से मिलता है। इन दोनों डेल्टा की अच्छी बात यह है कि यहाँ बहुत से समुद्री जानवर यानी मछली, प्रॉन्स, श्रिम्प्स पाए जाते हैं तो यहाँ के लोग फिशिंग करके पैसे कमाते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट ख़त्म होता है। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पे। पहले क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रीजन, गिव वन एग्जांपल। रीजन की एक एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन फिजिकल करेक्टर्स। पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स के बारे में बताइए जो बेस करें फिजिकल करेक्टर्स पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू द पीपल लिविंग इन द डिफरेंट फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इससे बताना है कि आपके जो पीपल रहते हैं और डिफरेंट फिजिकल रीजन्स में किस तरीके से रहते हैं उनके बारे में बताना है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर ख़त्म। फिर आपकी शुरू होती है फिल द ब्लैंक्स। टोटल 5 फिल द ब्लैंक्स हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू फॉल्स। टोटल फाइव ट्रू फॉल्स हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका मैचिंग द कॉलम। यहाँ पे आपका आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।